सो गाइज यार वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। सो पिछले बार के सर्वाइवल सीरीज में क्या हुआ था कि मैंने विलेज तो फाइंड कर लिया था, लेकिन वो वर्ल्ड जो है ना भाई वो पूरा करप्ट हो गया भाई, वो वर्ल्ड गायब हो गया। तो ये हमारा नया सर्वाइवल सीरीज है और मैं आपको टाइम वेस्ट ना करके बता देता हूँ, ये सर्वाइवल सीरीज में हम दो बंदे खेल रहे हैं, ठीक है, एक मेरा दोस्त और एक मैं। तो मैंने डे वन में क्या किया कि जितना भी लाइक एवरेज है उसको तोड़ा और फिर ये विलेज जो है उसको मैंने लूट लिया, क्योंकि क्यों नहीं, लूटने के साथ जितने भी विलेजर्स के जो वर्क स्टेशन है लाइक वो जॉब वाला वर्क स्टेशन है उनको भी मैंने खाली किया। तो मैं पे और मैं और एक चीज़ बता दूँ, ये हम सर्वर में खेल रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा लैग, आई मीन लैग तो उतना तो नहीं होता है लेकिन ग्लिचेस होता है थोड़ा बहुत। तो मैं आपका हमेशा के तरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना ही भी टाइम सेव हो सके मैं उतना करूँगा आप लोगों का। सो मैंने क्या किया, मैंने विलेजर के सारे बेड, सारे तो नहीं लेकिन एक दो बेड और फिर जितने भी घर के लाइक क्राफ्टिंग टेबल होते हैं उसको तोड़ा भाई। लेकिन कुछ भी बोलो, जब मैं एक गेम खेल रहा था भाई तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ दौड़ रहा था कि भाई ये विलेज को पूरा खाली करना है भाई, कुछ भी हो जाए खाली करना है। और मेरे को यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस भी मिला तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वुड कलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास पिकैक्स नहीं था। तो मेरे वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक्स और एक पिकैक्स बनाया, क्योंकि मेरे को ये ब्लास्ट फर्नेस चाहिए था। और फिर मैंने घर के अंदर जाके मैंने वो ब्लास्ट फर्नेस को तोड़ लिया। और ब्लास्ट फर्नेस को तोड़ने के बाद मैंने अपना ये क्राफ्टिंग टेबल उठाया, क्राफ्टिंग टेबल उठाते ही मेरे को यहाँ पर एक आयरन गोलेम दिखा। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को भी पता है भाई आयरन गोलेम दिखते ही हम क्या करेंगे। सो पहले मैं चाहता था कि भाई मैं रिस्क ना लूँ, क्योंकि वन पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है लाइक ये विलेज से। और फिर जैसे ही फिर से मैं टावर अप कर रहा था यह आयरन गोलेम भाग लिया, तो मैं दूसरा जगह पर गया और फिर इसको मैंने मार लिया। ये आयरन गोलेम को मार के मेरे को चार आयरन इंगेट मिले। सो चार आयरन इंगेट मिलने के बाद मैंने यहाँ का भी वर्क स्टेशन तोड़ लिया। वर्क स्टेशन तोड़ने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा खाना ले लिया, और फिर खाना लेने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यार ये असासिया बायो में जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो मेरे को भाई मैं जाने ही वाला था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एविल का पूरा भंडार मिल जाता है। तो मैं एविल को तोड़ता हूँ, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। और एविल को तोड़ने के बाद मेरे को ये काऊ फार्म में जाके थोड़े से काऊ मिले, जिनको मैंने प्यार से बोला कि भाई मेरे को खाना दे दो, ठीक है, मैंने उसको मारा नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई मैंने उसको मारा है। और मेरे को यहाँ पर फार्मर मिला जो मेरे को कैरेट ट्रेड कर रहा है, लेकिन भाई कौन ट्रेड करेगा भाई। और फिर मैं फिर से सोच रहा था कि भाई जाऊँ, लेकिन मेरे को यहाँ फिर से एक बड़ा व्हीट फार्म मिलता है, तो मैं ये व्हीट फार्म को भी खाली करता हूँ। और ये व्हीट फार्म खाली करके मैं फिर से जाता हूँ चेक करने के लिए भाई कि मैंने कोई तो घर मिस तो नहीं कर दिया है, क्योंकि भाई मेरे को लूट चाहिए शुरू में भाई, सारे सबको लूट चाहिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर एक स्मोकर मिलता है, तो मैंने ये स्मोकर भी ले लिया यहाँ से। और फिर मेरे को बहुत एक अजीब सी चीज़ मिलती है, लाइक मैं यहाँ पर ये घर के अंदर जाता हूँ और मेरे को पता चलता है कि भाई ये ब्लैक स्मिथ का घर है, लेकिन यहाँ पर भाई एक चेस्ट भी नहीं था भाई। और फिर मेरे को ब्लैक स्मिथ के घर के बाहर पर मेरे को बैनर मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि भाई ये बैनर रेयर है। और फिर से मैं चेक करता हूँ कि मैंने कोई तो घर मिस तो नहीं कर दिया है। और फिर मैं फाइनली यहाँ से ये विलेज से निकल जाता हूँ। और फिर मेरे को रास्ते में एक बहुत बड़ा रवीन मिलता है, और फिर मैं उस रवीन के नीचे देखता हूँ कि भाई उसमें आयरन वायरन तो नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि भाई एक्सपोज रवीन में बहुत ज़्यादा आयरन मिले। सो मैं फिर से लाइक हर एक एंगल से देखता हूँ कि भाई कोई आयरन वायरन तो नहीं है, और फिर मैं फिर से यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि स्कैम हो गया भाई। और फिर जाते जाते यहाँ पर रात हो जाती है, तो मेरे फर्स्ट नाइट माइनक्राफ्ट के फर्स्ट नाइट यहाँ पर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। और फिर जाते जाते मेरे को उसी रास्ते जाते जाते मेरे को यहाँ पर एक जंगल वायर मिलता है, और फिर मैं यहाँ पर मरते मरते बचता हूँ भाई, लिटरली लावा के ऊपर से भाई मैं
मौत को छुपकर टक से वापस आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा बैम्बू कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं चला जाता हूँ विलेज के जर्नी में। और फिर यहीं से जाते जाते मेरे को एक पैरेट मिलता है जिसको किसी ने कुछ नहीं देखा, लिटरली कुछ नहीं देखा। बाय द वे गाइस, मेरे को यहाँ पर एक रुइन पोर्टल मिलता है जिसको मैं लूटने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर और एक मेरे को केव मिलता है, तो मैं फिर से देखता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई आयरन वायरन तो नहीं है। और फिर मेरे को वहाँ पर लिटरल एक आयरन भी नहीं दिखता है, तो मैं फिर से यहाँ से चल जाता हूँ ये रुइन पोर्टल लूटने के लिए। और मैं यहाँ पर लिटरली एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर एक इंचेंटेड एप्पल मिल जाए, क्योंकि यार चांसेस कम होते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और फिर मैं यहाँ पर एक आयरन पिकैक्स बनाता हूँ और वो मैं गोल्ड माइन कर लेता हूँ, और फिर गोल्ड माइन करने के बाद फिर से मैं चला जाता हूँ विलेज के जर्नी में। बाय द वे गाइस, मैंने आपको और एक बात नहीं बताई कि मैं यहाँ पर विलेज ढूंढ रहा था और फिर मैं फिर से लग जाता हूँ विलेज ढूंढने में, और मेरे को यहाँ पर एक सस्ती सी छोटे सा मेरे को डेजर्ट बॉय मिलता है। मैंने इसको इग्नोर किया और मैं फिर से चला जाता हूँ विलेज को ढूंढने में। ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों को पता है हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। दैट मीन्स जो गोल्ड प्ले बटन है लाइक वो मेरा लिटरली सर के ऊपर है। जैसे ही तुम लोग वो सब्सक्राइब के बटन हिट करोगे, वो गोल्ड प्ले बटन मेरे सर के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। सो और फिर मैं फिर से चला जाता हूँ, लेकिन भाई मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये सर्वर में इतना ज़्यादा ग्लिचेस क्यों होते भाई। लेकिन भाई मेरे को बिना पॉइंट में डैमेज मिल रहा था, और फिर मैं थोड़ा सा लाइक 100-200 भी नहीं लाइक 50 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिखती भाई। मेरे को ये लिटरली इतना डिसिप्लिन टर्टल मिलते भाई, लाइक देख रहे हो भाई इतना डिसिप्लिन से भाई लाइन बाई लाइन जा रहे। और जो मेरा साइड का ये लाइक जंगल वाई में उससे मैं थोड़ा सा एक मेलन को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ये मेलन बहुत ज़्यादा काम आएगा। और यहाँ पर तुम्हारा भाई एक बहुत बढ़िया क्लच करता है, देख रहे हो भाई तुम्हारा भाई भी प्रो है, ठीक है। क्या मतलब कि मैं एक आयरन गोलम से मर गया था, वो बात के साइड में रखो। और फिर मैं चला जाता हूँ फिर से मैं चला जाता हूँ एक विलेज ढूंढने। और भाई तुम लोग को मानना पड़ेगा भाई मैं प्रो हूँ भाई, तुम भाई एग्रीड ही नहीं करते भाई मैं प्रो हूँ, ठीक है। और फिर जाते जाते फिर से रात होती है, फिर से मैं सो जाता हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वही एजेंडा लेके विलेज को ढूंढने में जा रहा था। लेकिन भाई मेरे को क्या पता था कि मेरे को ज़िंदगी का बहुत बड़ा पोपट होने वाला था। मैं उसको छोड़ो, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो और फिर मैंने जो आपको ये अभी मार्क उस दिखा है ना भाई, इसमें मैं घर बनाने की सोच रहा था। और फिर मेरे को फिर से एक रुइन पोर्टल मिलता है, ठीक है। और फिर मेरे को लगा था कि भाई ये रुइन पोर्टल नया वाला है, और फिर मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैंने जब उस साइड के जो मैंने होल देखा ना भाई, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका ना था, वह मेरा माथा खराब हो चुका था। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो जो मैंने खाली जगह मार्क करी थी उसी में जाके मैंने सोचा कि भाई नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई इससे। और फिर मैंने जाके उसमें सोचा कि भाई यहीं पर अपने बास बसाते। सो मैंने यहाँ पर एक पहले तो डट का टावर बनाया, क्योंकि मैं खो ना सकूँ, ठीक है, कहीं पर भी जाओ तो मैं खो ना सकूँ। और फिर से मैंने एक एमएलजी किया, लेकिन भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही थी भाई मेरे को इस केबल क्लच से भाई मेरे को डैमेज क्यों नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सी बैम्बू प्लांट किया, और फिर मैंने थोड़ा सा लाइक ट्री कट किए, और फिर उस वुड से मैंने चेस्ट बना के चेस्ट रख के जितना भी सामान मेरे को विलेज और जितना भी कूड़ा था मेरे इन्वेंटरी में उस सबको मैंने खाली किया, ऑर्गेनाइज किया। और फिर वो जो मेरे को स्मोकर मिला था विलेज से उसको मैंने प्लेस किया, और फिर थोड़ा सा मैंने खाना को स्मेल्ट किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई मैं एक माइनिंग पे जाऊँ। और फिर मैंने थोड़े से ब्रेड क्राफ्ट किए, क्योंकि ब्रेड जो होते हैं भाई वो माइनिंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन और ब्रेड क्राफ्ट करने का दूसरा मकसद ये था कि मेरे को जब वो माइनिंग पे जॉम्बी मिलते हैं उससे मैं बच सकूँ। और फिर मैं जो मेरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्रेड होता है मैंने उसको शॉर्ट किया, और फिर जो मेरा फिर से अपना इन्वेंट्री मैंने स्लट किया, और फिर ये निक्की के
लाइक अपना वो गोल्डन बूट जो मेरे को रून पटल से मिला था, मैंने उसको पहन लिया। और फिर जो मैंने अपना फूड स्मेल करने के रखा था उसको मैंने ले लिया, और फिर से मैंने थोड़ा सा ट्री माइन किया। मैंने ट्री इसीलिए माइन किया क्योंकि मैं माइनिंग के लिए जाने वाला था। और फिर भाई मेरे को एक चीज़ समझ में क्यों नहीं आती भाई, जिस भी वर्ल्ड जाओ बारिश क्यों स्टार्ट हो जाती भाई? अगर आप लोगों को पता है बारिश यार क्यों होती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर मैं यहाँ पर एक माइनिंग स्पॉट बनाता हूँ और फिर मैंने इसको नीचे तक खोदा। और फिर नीचे तक खोदने के बाद लाइक उतना भी ज़्यादा नहीं खोदा था, और मेरे को यहाँ पर जॉम्बी और स्पाइडर का मेरे को आवाज़ आने लगा। तो भाई मैं लाइक वो होता है ना भाई, मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया। भाई कैसे बोलते भाई, सतर्क छोड़ो। और फिर मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ किया क्योंकि भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि भाई लाइक के भाई पॉकेट एडिशन में भाई यही होता है भाई, लाइक कुछ ही पता नहीं भाई। इन माइनक्राफ्ट वालों को ना भाई एक सबटाइटल का ऑप्शन होता है ना भाई, वो जावा एडिशन में ऐसा ही भाई, इनको बेडरॉक में भी डालना चाहिए। और फिर मेरे को माइन करने के बाद एक मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज लाइक उतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक केव मिलता है, एक्सपोज केव मिलता है, जिसके अंदर वही लाइक केव आई मीन केव स्पाइडर नहीं भाई, स्पाइडर और जॉम्बी मिलते हैं। वहाँ पर मेरे को एक स्लाइम भी मिलता है, और आप लोगों को पता ही होगा स्लाइम से क्या होता है, स्टिकी पिस्टन और बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने ये केव को इसको मैंने खाली किया, तो आप वो देख लो पहले। इनकेस आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं उस केव के अंदर क्यों नहीं गया, तो भाई मैं डर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीपर भी हो सकते थे। और फिर वही हुआ जिस चीज़ से मैं डर रहा था भाई, वही हुआ। वहाँ पर मेरे को क्रीपर मिलता है और स्पाइडर भी मिलता है। तो मेरे को भाई यहाँ पर इस केव इंटर करते ही मेरे को कोल और आयरन ओर मिलते हैं। लाइक भाई मैंने कोल तोड़ते ही भाई मैंने कुछ टॉर्च बनाए, फ्यू टॉर्च बने, और फिर टॉर्च बनाने के बाद वो जितना भी एरिया है भाई उसको मैंने लाइट अप कर दिया, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मरने का, ठीक है, क्योंकि स्पॉन पॉइंट बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो मैंने लाइक वहाँ पर मेरे को एक फिर से एक लाइक एक जॉम्बी मिलता है, लेकिन भाई मैं यहाँ पर फिर से डर भाई मैं यहाँ पर इतना डर जाता है ना भाई, भाई मेरे को लगा था कि भाई मैं लिटरली मर गया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर फूड खाता हूँ, और फिर भाई मैं फूड खाते खाते भी डर रहा था। और फिर मैंने यहाँ से कोल माइन करा, और फिर ये जितना भी मेरे को लाइक आयरन मिल रहे थे, लाइक मेरे को 8 आयरन मिले समथिंग, और फिर वो मैंने सब आयरन माइन किया। और आयरन माइन करने के बाद यहाँ पर मेरे को एक स्पाइडर मिलती है, जिससे भाई मैं उतना डर तो नहीं रहा था क्योंकि भाई तुम्हारा भाई प्रो है, ठीक है। क्या मतलब कि 2 मिनट पहले मैं वो जॉम्बी से छोड़ो भाई। और फिर मैं सोचता हूँ कि भाई उस केप के ऊपर जाए, लेकिन भाई मैंने डिसीजन चेंज कर लिया, जो कि मैंने सही में अच्छा किया। और फिर जो मेरे को ये लाइक एक्सपोज जो केप थे ना भाई, उसको मैंने लाइक पूरा कवर कर लिया, क्योंकि भाई रिस्क ही नहीं लेना भाई किसी को भी कुछ नहीं पता भाई कहाँ से क्रीपर टपक के भाई मार जाता है भाई लिटरली। सो गाइस मैंने क्या किया कि भाई वो लाइक जो माइनिंग का रिकॉर्डिंग था वो लिटरली 20 GB स्पेस ले रहा था, तो मैंने उस 20 GB और भाई वो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने आप लोगों को वो नहीं देखा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मैं माइनिंग करके लाइक बाहर निकला, और फिर बाहर निकलने के बाद मेरे को एक वहाँ पर वांडरिंग ट्रेडर मिला, और फिर मैंने कुछ नहीं वांडरिंग ट्रेडर से थोड़ा सा कट कर देना प्लीज, थोड़ा सा मैंने हाथ मिलाया, और फिर थोड़ा सा हाथ मिलाने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ अपने घर के ऊपर। और सही में भाई इतने दिनों के बाद लाइक माइनक्राफ्ट के इतने दिनों के बाद इतने समय के बाद जो मैंने लाइक ये जो मैंने धूप को देखा ना भाई, जो खुशी था ना भाई अलग ही लेवल में था। और फिर ये रहा भाई माइनिंग का लूट, जितना भी मेरे को माइनिंग से मिला यही है भाई सब मेरे को, भाई मेरे को जितना मिला है वो इतना ही है, ठीक है। और फिर जो मेरे को आयरन मिले थे उस माइनिंग एरिया से, सो मैंने क्या किया
वो आयरन को स्मेल्ट कर लिया, और फिर लाइक स्मेल्ट करने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा लकड़ी माइन किया, क्योंकि मेरे को थोड़े से स्टिक चाहिए थे टूल्स के लिए, जो मैं डायमंड का लाइक टूल्स बनाने वाला हूँ उसके लिए। भाई मैंने थोड़ा सा लाइक लकड़ी माइन किया, और लकड़ी माइन करने के बाद मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एक बाई एक करके मैंने फाइनली भाई मैं लिटरली चार घंटे के बाद फाइनली मैंने अपना डायमंड आर्मर कंप्लीट कर लिया। डायमंड आर्मर के साथ मैंने टूल्स भी अपने कंप्लीट कर लिए। और फिर जो मेरे को लाइक एक्स्ट्रा वुड बचे थे उससे मैंने एक चेस्ट बनाया, और फिर जितना भी लाइक ब्लॉक्स वगैरह मिला है उसको मैंने लाइक एक चेस्ट में स्टोर किया। और फिर मैंने लाइक आप लोग बोल सकते भाई मैंने आइटम ऑर्गेनाइज किया। अगर आप लोग सोच रहे कि भाई मेरे को इतना ही चीज़ मिला है लाइक उस माइनिंग से मैंने इतना ही ब्लॉक मिला है, तो नहीं भाई मैंने बहुत सारे ब्लॉक लाइक वहाँ पर मैं लावा में फेंक कर आ गया। और फिर इतने दिन के बाद जो मैंने बेड में आराम किया भाई माइनक्राफ्ट में, भाई वो अलग ही लेवल में था। सो और फिर मेरे को जितना भी आयरन मिले थे लाइक उसमें से मैंने थोड़ा सा एक लाइक शील्ड बना लिया अपने लिए शील्ड, और मैंने वाटर बकेट बनाया और पास वाला नदी में जाके मैंने उसमें से वाटर भर लिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही। भाई मैंने इतना जो एडिटिंग मैंने भाई कम से कम तो भाई मेरे 2 घंटे की एडिटिंग किया है। सो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। मैं दूसरे एपिसोड में एक सर्वाइवल घर बनाऊंगा या कुछ, लेकिन उसको छोड़ो, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में भाई।